बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करते हैं क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे। और 2019 से 22 सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 2020 से 23 सेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ 2018 से 21 सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी के कमेंट्स मैंने जो है देखे हैं, क्योंकि आप लोगों के जो सवाल है वो जायजन है। अभी आपको मैंने पहले ही कल रिपोर्ट में जैसा कि बताया कि फरवरी के महीने में तो कोई परीक्षाएँ नहीं होंगी। हालांकि 2019 से 22 सेशन वालों की अगर हम बात करें तो कई कॉलेजेस में जो है पार्ट टू के लिए एडमिशन्स लिए जा रहे हैं और स्टूडेंट इस बात से परेशान है कि क्या एडमिशन्स जो है दोबारा नहीं लिए जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपके एडमिशन अभी अगर हो भी जा रहे हैं और मान लीजिए किसी कारणवश आपके एडमिशन छूट गए, आपके कॉलेज में आप नहीं करवा पाएँ, तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरेंगे उस टाइम पे दोबारा आपको जो है मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, यानी कि एडमिशन आप जो है अपना करा सकते हैं उस समय भी। तो अगर आपका अभी छूट भी जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवाल यही कमेंट बॉक्स में है कि इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है क्या, आपको पता है क्या, तो मैं आपको बताता हूँ ये एडमिशन लेने का जो कार्य है वो कॉलेज के ऊपर होता है, ना कि यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो कॉलेज अपने सहूलियत के अनुसार जो है एडमिशन्स लेती है, कॉलेज को जब लग रहा होता है कि फंडिंग की ज़रूरत है हमें तब एडमिशन्स जो स्टार्ट कर देती है। आपका जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, जैसे आपका पार्ट वन का एग्जामिनेशन खत्म हुआ, रिजल्ट आया, तो एडमिशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ कई ऐसे स्टूडेंट भी सामने निकल कर के आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम प्रमोटेड हैं तो क्या हमारा जो है एडमिशन पार्ट टू में होगा। तो जी हाँ, आपका पार्ट टू में एडमिशन होगा, निसंकोच जो है आप अपना एडमिशन कराएंगे, साथ ही साथ पार्ट टू का एग्जामिनेशन भी आप देंगे, इससे आप नहीं डरेंगे। पेंडिंग में रिजल्ट होगा तब भी आप जो है अपना पार्ट टू का फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे, इसलिए आप जो है डरिए नहीं। और रही एडमिशन्स की बात, तो एडमिशन आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भराने के बाद भी होगी, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरेंगे, हार्ड कॉपी जब आप सबमिट करने जाएंगे कॉलेज में, उसी समय जो है आपका एडमिशन भी लिया जाएगा, इसलिए डरिए नहीं। लगभग कॉलेजेस का जो एडमिशन का जो है डेट निकला था, जैसे कि LS कॉलेज, RDS कॉलेज का भी निकला था और भी ऐसे कई कॉलेजेस थे जो कि ऑनलाइन अभी एडमिशन लिए हैं और हार्ड कॉपी जमा करने के लिए बोले हैं। तो जब स्टूडेंट जो है फॉर्म भर के गए हैं, कई ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पर ऑफलाइन में फॉर्म भर के गए तो उनका एडमिशन हो भी गया है, लेकिन जब एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा तो उस टाइम आप जो है दोबारा से एडमिशन ले सकते हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं हम। और जो भी स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि पार्ट टू का एग्जामिनेशन क्या सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो सब्जेक्टिव ही होगा परीक्षा, आप लोग जो है डरिए नहीं, आप लोग अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षा नहीं लिया जाएगा। 2020 से 23 सेशन वालों की रही बात, तो इनके लिए जो है काफ़ी समय पहले कहा गया था कि इनकी भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव ही ली जाएगी, इसके लिए जो है क्लेरिफिकेशन आपको फरवरी के अंत तक मिल जाएगा या फिर जब हम परीक्षा नियंत्रक जी से बात करेंगे तो हमें जो है पता चल जाएगा। हालांकि अभी जो है सब इसी बात में जो है फंसे हुए हैं कि 2020 से 23 सेशन वालों की परीक्षा ऑब्जेक्टिव ली जाए या सब्जेक्टिव। हालांकि आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव लेने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था यूनिवर्सिटी को, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये जो है हम जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और जितने भी स्टूडेंट 2018 से 21 सेशन के हैं उन सभी का जो पार्ट थ्री का रिजल्ट है वो मार्च के महीने में आना है। डेट जो है बताया गया था 14 मार्च, लेकिन इससे डेट आगे पीछे हो सकती है। और इसके बाद जितनी भी लड़कियां हैं वो कन्या उत्थान योजना के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो रेडी रहेंगी, जब भी रिजल्ट आ जाएगा तो और रिजल्ट नंबर आ जाएगा तो फिलहाल अभी यही रिपोर्ट्स हैं। और अभी जिनका भी वेरिफिकेशन सेकेंड लेवल पर पेंडिंग है उनको ऑटोमेटिक जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए जो है पहले ही कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जितनी भी लड़कियां इस बार जो है पार्ट थ्री पास करेंगी उनको भी जो है 50,000 रुपये जो है कन्या उत्थान योजना के तहत जो है दिया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। ये रिपोर्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटचुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटचुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं जिना कॉलोनी की गली नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर कचरा जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। गजब बेइज्जती है।